अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी वरिड हैं कि आपकी जो मशीन है उसका ड्रेनेज पाइप शॉर्ट है तो इसका क्या सोल्यूशन है? एक्चुअली इसके दो सोल्यूशंस हैं, बट सोल्यूशंस बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मेरी वॉशिंग मशीन का जो ड्रेनेज पाइप है वो कितना शॉर्ट है। ये देखिए, ये मेरी वॉशिंग मशीन का ड्रेनेज पाइप है और ये इतना शॉर्ट है कि ये ड्रेनेज होल तक नहीं जा पाता। ये बस इसी तरह फ्लोर पे पड़ा रहता है, जिससे क्या होता है कि जो सारा एरिया है वो वेट हो जाता है और फिर कीचड़ होने के बाद उसको साफ करना पड़ता है। तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि जो मशीन का अपना ड्रेनेज पाइप है, यानी कि ये वाला पाइप, आप इसी को ही एक बड़ी लेंथ में ले लें और मशीन का बैक कवर ओपन करके उसको इंस्टॉल कर लें, या आप खुद भी कर सकते हैं, इसके लिए किसी टेक्नीशियन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बट इससे जो इजी और थोड़ा सस्ता तरीका है वो ये है कि आप मार्केट से एक नॉर्मल सी लेंथ का ड्रेनेज पाइप ले लीजिए। वैसे ये डिफरेंट वेरिएशंस में आता है, यानी डिफरेंट लेंथ में अवेलेबल होते हैं। जो मुझे चाहिए था वो एटलीस्ट 1 मीटर का चाहिए था, तो इसको मैंने मार्केट से बाय किया है, ये 100 रुपीज़ में मुझे मिला है। तो बस इस पाइप को अगर मैं मशीन के अपने पाइप से कनेक्ट कर लूँगी तो ये ड्रेनेज होल तक मैं इजीली पहुँच जाएगा। फिर आप परेशान ना हो जाइएगा कि कहीं ये राउंड शेप में ही हमें मिलेगा, एक्चुअली ये ऐसा पाइप है, ये देखिएगा, ये फैल जाता है, इसलिए मैंने इसको होल्ड किया हुआ है और इसीलिए मैंने इसको राउंड शेप में रखा था, इसकी दोनों ओपनिंग्स को आपस में इंसर्ट करने के बाद, जबकि इसकी असल शेप ये है। तो इस पाइप को मशीन के एक्चुअल पाइप से कनेक्ट करने के लिए इस तरह के क्लैंप्स मिल जाते हैं। मेरे पास छोटे साइज का क्लैंप है, ये बड़े साइज में भी मिल जाते हैं, अदरवाइज इस तरह का क्लैंप यूज़ किया जा सकता है। ये मेरे पास ओल्ड मशीन का क्लैंप पड़ा हुआ था, अगर आप मार्केट लेने के लिए जाएंगे तो ऐसे क्लैंप भी आपको इजीली मिल जाएंगे। तो इस क्लैंप को यूज़ करते हुए इस पाइप को मैं मशीन के ड्रेनेज पाइप से कनेक्ट करने लगी हूँ, देखते हैं। तो सबसे पहले जो पाइप की ये छोटी वाली साइड है, यानी इस वाली साइड से इस क्लैंप को मैं इसके ऊपर चढ़ा देती हूँ, ये देखिएगा। और इस वाली साइड से पाइप के ऊपर, ये देखिएगा। और क्लैंप को ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऊपर चढ़ा दूँगी इस वाली साइड में। मैं इसको पुल करके दिखाती हूँ, ये देखिए, यह पुल नहीं हो रहा। अब अगर ये पुल नहीं हो रहा तो इसमें से पानी भी नहीं निकलेगा। और ये है वो ड्रेनेज होल जिसमें मैं इस पाइप को इंसर्ट करना चाहती हूँ। उससे क्या होगा कि जितनी बार मर्जी मशीन में से पानी निकले वो सारे फ्लोर को वेट नहीं करेगा। बस मेरा काम तो हो गया। तो इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस को वॉच करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको वॉशिंग मशीन से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। अगर आप मेरे पहले से अपलोडेड वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस वीडियो के एंड पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसे क्लिक करके वॉशिंग मशीन से रिलेटेड आप मेरी ऑल वीडियोज़ को वॉच कर पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।